काटने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर सतनामी समाज नाराज हुआ। 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे समाज के लोग और इस दौरान अब बलौदाबाजार में जैत खाम काटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। घटना को लेकर सतनामी समाज ने नाराजगी व्यक्त की थी। 2 दिन से प्रदर्शन भी कर रहा था समाज और अब देखिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर सतनामी समाज में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे समाज के लोग और अब ये बड़ी जानकारी बलौदाबाजार से, जहां पर 3 जो आरोपी हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। घटना को लेकर सतनामी समाज ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे समाज के लोग और अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए कुछ वीडियोस भी सामने आ चुके हैं और इन वीडियो के आधार पर ही इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच के दौरान ये पाया गया कि जैत खाम काटने वाले आरोपी जो हैं वो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता हासिल की। घटना को लेकर सतनामी समाज का आक्रोश भी फूटा हुआ था। अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, जैत खाम काटने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी देखिए रेनू, आपको बता दूं कि 15 मई की वो रात है जब जो गिरौदपुरी है, जो सतनाम धर्म के प्रवर्तक है, गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली, वहां से कुछ किलोमीटर की दूर पर जो अमर गुफा कहा जाता है वहां पर जैत खाम है। उस जैत खाम को इन आरोपियों द्वारा आरी से काट दिया गया था। उसके बाद जब सतनामी समाज के लोगों को इसके बारे में पता चला तो जिला मुख्यालय में और गिरौदपुरी के चौकी के सामने लगभग 2 दिनों तक इन लोगों का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में देख सकते हैं जो वीडियो यहां पर सामने निकल कर आई है, एक वीडियो है जिसमें जैत खाम और वहां के गेट है उसको आरोपियों द्वारा तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, काट दिया गया। और एक और वीडियो है उसमें गिरौदपुरी चौकी के सामने जो बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहर उनका प्रदर्शन है, साथ ही समर्थकों का और सतनामी समाज के जितने भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे थे कि आखिर आरोपी कौन है, आरोपी कब तक पकड़ा जाए। हालांकि इन्होंने पूरे मामले पर बलौदाबाजार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक बड़ा मामला इसमें सामने आया है कि उस अमरनाथ गुफा के आसपास जो महाकोनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था और ठेकेदार द्वारा 4 लाख रुपये, जो 3 आरोपी है वो बाहर के आरोपी है, इनको 4 लाख रुपये का ठेका इन लोगों को दिया गया था कि ये काम आपको करना है। लेकिन ठेकेदार द्वारा इन आरोपी को जो 1 लाख रुपए दिए गए थे, तब इन आरोपियों ने कई बार जो ठेकेदार उनसे मांग की कि हमें हमारा पैसा पूरा वापस दे दिया जाए, लेकिन गाली गलौज करते रहे ठेकेदार और इनको उनका पैसा वापस नहीं दे रहे थे। इसी दरमियान 15 मई की रात इन 3 लोगों ने गुस्से में आकर शराब के नशे में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अमर जो गुफा है वहां पर जो जैत खाम स्थित है और जो गेट है उसको पूरा तहस नहस कर तोड़ दिया गया। और हालांकि जो आरोपी पकड़ाए हैं वे तीनों बिहार से हैं आरोपी और काम करने के लिए छत्तीसगढ़ के गिरौदपुर के यहां पर आए हुए थे और पुलिस आगे पूरे मामले की और जांच कर रही है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दी गई है। रेनू, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और अब इनसे पूछताछ भी की जानी है और 2 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था, अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा में राशन बांटने में गड़बड़ी पाई गई, लोगों ने थाने का घेराव कर लिया, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई, सेल्समैन और समूह अध्यक्ष सचिव पर FIR दर्ज करवाई गई, लोगों ने गिरफ्तारी की भी मांग की है। लोहारा नगर पंचायत का ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां कवर्धा में राशन बांटने में गड़बड़ी का पूरा मामला उजागर हुआ, लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और काफी हंगामे के दौरान हालात बनते हुए नजर आए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग ही ग्रामीण कर रहे थे, सेल्समैन और समूह अध्यक्ष सचिव पर भी FIR दर्ज की गई है, लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की है। उनका ये कहना है कि गलत तरीके से राशन का बंदर बांट किया गया और राशन बांटने में जो गड़बड़ी की गई है इसकी शिकायत न सिर्फ दर्ज की जाए बल्कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी भी की जाए और ये मांग करते हुए थाने का घेराव करने लगे ग्रामीण। मौके पर जब स्थिति
गंभीर होता देख यहां पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और गिरफ्तारी की मांग पर आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लोहारा नगर पंचायत का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से। राशन बांटने में गड़बड़ी का मामला, लोगों ने किया थाने का घेराव, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सेल्समैन और समूह अध्यक्ष साथ ही सचिव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, राशन बांटने में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से इस गड़बड़ी की गई है और कैसे इस ये पूरा मामला सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से हितग्राहियों का गुस्सा आज फूटा, उसके कारण दो माह से उनको राशन नहीं मिल पाया था। जो सेल्समैन है उसके द्वारा उनको ना तो राशन दिया गया है, ना ही शक्कर वितरण किया गया और नमक अभी वितरित नहीं किया गया है, जिसे लेकर वो लगातार मांग कर रहे थे, अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे, पर अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार शिकायत के बाद अभी सेल्समैन और जो अध्यक्ष जिनके द्वारा समूह के माध्यम से सोसाइटी का संचालन किया जाता था, उनके खिलाफ जो है खाद्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कराया है 16 लाख रुपए के राशन का। ये पूरा गड़बड़ी का मामला है, जिसमें सेल्समैन तो आरोपी उसमें बनाया ही गया है, लेकिन जो जिस समूह का संचालन किया जाता था उसका जो महिला के जो पति और सचिव, इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर आज हितग्राही जो है वो लोहारा थाना पहुंचे थे, लोहारा थाने के बाहर प्रदर्शन किया, लोहारा थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो अब कार्रवाई की मांग की जा रही है, न सिर्फ एफआईआर बल्कि इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, ये मांग है ग्रामीणों की।